26 जनवरी की परेड से एक दिन पहले एक राजनीतिक पक्ष के नेता को गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जवाब में पार्टी वर्कर ने पूरे प्रांत में बंद का ऐलान कर दिया। दुकानें और संस्थाएं जबरदस्ती बंद की गईं। सड़कों पर यातायात रोक दिया गया। नेशनल हाईवे पर कई लोग 2-3 घंटों के लिए एक तरफ को हकाल दिए जाते हैं। जब वो बंद के उठने का इंतजार कर रहे हैं, उनमें कई लोग वक्त काटने के लिए हिंदुस्तान में 50 साल में जो परिवर्तन हुए हैं उसे लेकर किस्से कहानियां सुनाने लगते हैं। इस सिलसिले की कहानी हमें सुनाने वाले हैं पॉल सीकरन, जो एक राष्ट्रीय दैनिक के संवाददाता हैं। कौन देगा हमें सूचना का अधिकार? सरकारी गोपनीयता को अफसरशाही ब्रिटिश जमाने ने कायम रखा, और इसके लिए उनके पास एक कानून भी है जिसका बहाना बनाकर कोई भी फाइल दबाई जा सकती है। ये तो बाबुओं का पैतृक हक है। मगर बहन जी, हिंदुस्तान तो ब्रिटिश कॉलोनी थोड़ी है। जैसा खुलापन दूसरे डेमोक्रेटिक देशों में होता है, वैसे हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। क्यों जी? मुझे लगता है इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले से हो चुकी है। अच्छा? जिसके गाँव की कहानी मैंने फाइल भी की थी। उस गाँव में एक स्कूल था बहुत ही बुरी हालत में, तो गाँव की पंचायत ने फैसला किया कि उस स्कूल को नए सिरे से फिर से बनाया जाए। सरकार ने मदद भी बहुत की, पैसे का ग्रांट दिया, सरकारी इंजीनियर ने नक्शे पास कर दिए, PWD की सहायता से इमारत खड़ी कर दी गई। केसर सिंह एक फौज में जवान था, वो अब ईंट के भट्टे चलाया करता था, तो उसने ईंटें सप्लाई करने का ठेका ले लिया। अब क्योंकि उसे गांव से बहुत लगाव था, इसलिए उसने बहुत कम कीमतों में ईंटें सप्लाई करने की बात मान ली। लेकिन जब पैसा वसूल करने की बात आई, तब उसे महसूस हुआ कि अचानक उसने तो भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया। भाइयों ने, बहनों ने, अपने आदरणीय जूनियर इंजीनियर साहब, आप सब लोग आके सहयोग की वजह से, मदद की वजह से ये नया स्कूल, ये विद्या का मंदिर बन गया। वक्त रहते अपने ठेकेदार भाई केदार सिंह जी की दिन रात की मेहनत की वजह से 2 महीने का काम 1 महीने में निपट गया। हाँ, पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हुआ इन डाबराओं के। अब अपने ये जूनियर इंजीनियर साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ऑफिस दफ्तर का काम में इन्होंने घनी मदद की, बड़ा चोखा काम किया इन्होंने। और एक आदमी है जिसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, अपने फौजी भाई केसर सिंह जी। केसर सिंह जी, मैं यहां पता रहा हूं। नहीं, मैं यही ठीक हूं। तुम इस फौजी केसर सिंह ने कम पिसा में ईटा दे करके स्कूल बनाने के लिए बड़ी मदद की है। भारत माता के इस सुपूत को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं प्रणाम करना चाहूंगा अपने गांव के सारे मजदूर भाइयों और बहनों को। इन्होंने तो घना पसीना बहाया स्कूल बनाने के लिए। अरे भाई कल्लू मास्टर, कुछ गाना वाना शुरू करो, बुंदी बटवाओ और छुट्टी करो बस। इंसाफ की नजर पे, इंसाफ की नजर पे, बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, नेता तुम्ही हो कल के, अपने हो या पराए, अपने हो या पराए। केदार जी, भाई जी, देखो जी, स्कूल का काम तो अब खत्म हो गया, अब तो मुझे मेरा रुपया मिल जाना चाहिए। रुपया 20,000 बाकी है। हुकुम इंजीनियर साहब से मांगो, पैसा तो वही देंगे ना। सर, ठेकेदार साहब कह रहे थे कि आप अगर मेरे बिलों पर साइन कर दो तो मुझे मेरा रुपया मिल सकता है। सर, मुझे रुपए की सख्त जरूरत है। सर सर, कुमारों को मैंने अपना रुपया देकर के काम करवाया है। सर, बात सही है केसर सिंह जी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कार्यपूर्ति सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल जाता है, मैं रूल के मुताबिक आपको फाइनल पेमेंट का ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ। फाइनल पेमेंट? हाँ, लेकिन सर मुझे तो अभी सिर्फ 50% ही मिला है। सर सर, रूल के मुताबिक तो मुझे 80% रुपया मिल जाना चाहिए था ना। हमारी मंजूरी भी पूरी नहीं दी है साहब ठेकेदार ने। वो आप ठेकेदार से मांगे। सर आपके तो ठेकेदार से मांगू, ठेकेदार के तो आपसे मांगू सर। लेकिन हमारे, देखिए आप एक काम कीजिए,
आप जिला कार्यालय से जा करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले आइए, तभी कुछ हो सकता है। हमारी मजदूरी हमें तो अभी चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? देखिए, मेरे यहाँ से पूरा पैसा पास हो चुका है, अब आप लोगों को नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? अरे सर, हर आदमी अलग अलग बात करता है, अब आप ही बताओ किसकी बात पे भरोसा करें? 7 दिन मजदूरी की है साहब, पैसा मिलने का वक्त आया तो ठेंगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, ये देखिए, इस पर आपके सरपंच जी और ठेकेदार दोनों के दस्तखत। सर सिंह, स्कूल के छत में जो दरार पड़ी है और वहां के दरवाजे खिड़कियां जो दीवारें तोड़ के बाहर आ गई है, वो सब थारी ईटा के कारण हुआ है। अरे थारे से कम पिस्सा में ईटा लेकर के मैंने घनो पाप क्यों है, अरे गलती हो गई मारे से भाई। ओ भाई, अरे इसमें मारी ईंटों का क्या दोष है, है? मैंने तो अपने भट्टे की सबसे बढ़िया पकी पकाई ईंटें छांट छांट के थारे को भिजवाई है। अरे रहन दे, ज्यादा बड़बत्ती मत मार, है? तेरे कच्ची ईटा दी है, जदी तो छत फाटी है। अब बेफालतू की बात मत कर सरपंच, यो क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों ने घटिया माल लगाया है, घटिया चूना, घटिया सीमेंट, मिट्टी से चिनवाई करवाई है तुम लोगों ने। वाह जी वाह, अरे हमारा बकाया हड़प गए, अब हम ही को दोष दे रहे हो? है फौजी, तू 4 दिना फौज में रह के क्या आ गया, गांव के सरपंच को ही पाप लगाएगा तू? अरे मैं मारे भाई बंदा के साथ धोखा धड़ी काय करूं? मेरा मुंह मत खिलवा तू, ऑफिस की फाइल में दस्तखत देख के आया हूँ तेरे और ठेकेदार के, क्या सारा रुपया निकलवा लिया तुम लोगों ने, वो ठीक है कि नहीं? अरे मारे दस्तखत तो वहाँ बाबू ने किए होंगे। अरे फौजी तू तो सब जाने है, वहाँ पे ऊपर से नीचे तक दफ्तर में क्या हुआ है? अरे अब बहाने बाजी मत बना, याद रख मैं भी फौजी हूँ, फौजी छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, अब पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ मैं। अरे चिल्ला मत फौजी, समझदारी से काम ले, है? अरे जांच पड़ताल होगी तो तय भी फंसेगा, मुकदमा चलेगा थारे ऊपर, हाँ, कच्ची ईंटा को लेकर। अरे क्यों गांव वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम लोग, अरे सोचो एक बार ऊपर जाकर मुंह ना दिखाना है। ऐ तुम्हारी चिंता मत करे फौजी, तन्ने आप जो कहना है ना वहाँ कचहरी में आके कहना, अब तो मैं मुकदमा ठोकूंगा थारे ऊपर। अच्छा देखता हूँ कौन किस पे मुकदमा ठोकता है। अरे जा, मरने आके दिखाता है। जो भी आप कह रहे हो वो सच हो सकता है, लेकिन सबूत, सबूत क्या है आपके पास उनके खिलाफ? कोई बिल है, कोई रसीद या पेमेंट का रिकॉर्ड? लेकिन ये सारी की सारी चीजें मैं कहां से लाऊं वकील साहब? जिला ऑफिस से। कोई बाबू अभी पहचान का है तो उसे चाय पानी का पैसा देकर निकलवाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक हथेली पे वजन नहीं रखोगे कोई भी बाबू फाइल दिखाने का रिस्क नहीं लेगा, उसकी भी तो नौकरी का सवाल है। आपका मतलब है रिश्वत? नहीं वकील साहब, मैं फौजी आदमी हूं, रिश्वत देकर के कोई काम नहीं करवाऊंगा। और रिश्वत के बिना दफ्तर में कोई काम होता नहीं है, इस तरह तो आप लोग सालों साल घूमते रह जाओगे, कुछ साबित नहीं होगा। आपका मतलब है कि तुम्हारे को कदे न्याय नहीं मिलेगा? तो फिर कोर्ट कचहरी, अदालत, जज, वकील, इन सबका क्या मतलब हुआ वकील साहब? रिश्वत दे करके जो न्याय मिले उस न्याय का क्या मतलब हुआ? और अगर हर आदमी रिश्वत ले दे के ही अपने काम करेगा और करवाएगा तो फिर हमारे देश का क्या होगा? और आपका जैसा इतना बड़ा वकील हमारे को रिश्वत देने की सलाह दे रहा है? केसर सिंह जी, मैं तो तरीका बता रहा था, बिना सबूत के तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उल्टे वो लोग केस को इधर उधर फिरा के आप ही लोगों को फंसा देंगे। बड़ी अजीब बात है वकील साहब, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 लड़ाइयां लड़ी, 2, हमारे को जद भी इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इस लड़ाई में हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। केसर सिंह जी बैठिए बैठिए, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अकेले तो आप लोग लड़ नहीं पाओगे, आप लोग एक संगठन के पास जाओ,
मजदूर किसान शक्ति संगठन, उनकी मदद लो। नहीं नहीं वकील साहब, फिर तो उसके अंदर पॉलिटिक्स आ जाएगी, फिर तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। केसर सिंह जी, ये संगठन राजनीतिक नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है, लोगों की मदद करता है। पिछले कई वर्षों से हम लोग उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो लोग जनता का पैसा खा जाते हैं। अब जैसे सरकार एक रुपया देती है तो सिर्फ 25 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, बाकी पैसा बीच के लोग खा जाते हैं। वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन चोर को चोर कैसे साबित किया जाए? इसके लिए हम सबसे पहले सरकार और गांव वालों दोनों से मिलेंगे और ये मालूम करेंगे कि किस मद में पैसा किस तरह से खर्च किया गया। लेकिन हम लोग सरकारी रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं? क्यों क्यों नहीं देख सकते? आजकल सरकार का ऑर्डर है कि हर नागरिक को विकास के कार्यों में खर्च का हिसाब देखने का पूरा हक है। तो फिर? फिर क्या? फिर हमारा संगठन एक जन सुनवाई करेगा जिसमें सारे बिल, रसीदें, मस्टर रोल, ये सब हम लोग जनता के सामने रखेंगे। ऑफिसर्स भी होंगे वहाँ, और अगर आरोप से धुए तो हम उन्हें सजा भी दिलवा सकते हैं। तो बहन जी, इससे पहले कि वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल भेज दें, हमें इस काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत तो आपने यहाँ के कर दी है केसर सिंह जी, अब तो आगे बढ़ना है। तो कल हम लोग पीडब्ल्यूडी ऑफिस चलेंगे। जी ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, आप लोग कल आइए ना। नहीं कल नहीं, आप परसों आइए। परसों तो मैं छुट्टी पर हूँ, आप मंडे आइए। एक मिनट, एक मंडे मैं दौरे पर जा रहा हूँ, आप फ्राइडे आइए। देखिए सर, हमें आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम तो सधवा गाँव में जो स्कूल का निर्माण हुआ है उसके खर्च का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, आप ऑर्डर दे दीजिए बस। भाई ऐसे ही रिकॉर्ड हरेक को कैसे दिखा सकते हैं? देखिए ये सरकारी फाइलें बड़ी गोपनीय हुआ करती हैं, हरेक को दिखा दी तो फिर इनकी गोपनीयता क्या रह जाएगी? भाई हमें भी जवाब देना पड़ता है ऊपर। शायद आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में ये आदेश पारित किया है कि विकास कार्यों में खर्च रकम जानने का हर नागरिक को हक है। हमें ऐसा कोई आदेश मिला नहीं अब तक। 6 अप्रैल 1995 को ये आदेश सरकारी गजट में आया है, ये देखिए कॉपी है मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, एक अर्जी लिख करके लाइए, 10 कॉपियां होनी चाहिए और नोटरी से अटेस्ट करवा के लाइए। ठीक है, ये लीजिए, ये भी तैयार है। अब हम खर्च का हिसाब किताब देख सकते हैं, उसके जीरोक्स निकलवा सकते हैं। लेकिन ऑफिस में तो कोई जीरोक्स मशीन है ही नहीं। तो हम करवा लाते हैं जीरोक्स बाहर से। नहीं नहीं, ये तो अनुचित है। देखिए ऑफिस की फाइलें ऑफिस से बाहर नहीं जा सकती, गोपनीयता का सवाल है। अरे तो हम उन डॉक्यूमेंट्स का हाथ से कॉपी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? गोपाल, जो स्कूल से संबंधित फाइलें हैं ना, वो लोगों को दिखा दो ला करके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कैसे कॉपी करेंगे केसर सिंह जी? अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। मैडम ऑफिस बंद करने का समय हो गया। अरे फौजी, अरे भाई अठे तो आ। आओ केसर सिंह जी। अरे आ भी जाओ भाई। अरे भाई इतना गुस्सा भी किस काम का? बैठे केदार सिंह जी, अपने फौजी भाई की कुछ खातिर वातिर करो,
उसने कुछ सिगरेट विगरेट तो पिड़ा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को सिगरेट विगरेट नहीं चाहिए। तुम लोग तो मतलब की बात करो। अरे बात तो कुछ भी नहीं है भौजी, तू ही बिंडोर के कनखा उड़ा रही है फालतू में। अरे भाई तू गांव का ढोल पिटेगा तो गांव की पगड़ी तो उछलेगी कि नहीं? अच्छा, मजदूरों का पैसा हड़पने से पगड़ी नहीं उछलेगी? भारी बकाया रकम जीमने से पगड़ी नहीं उछलेगी? स्कूल में फर्जी काम करवाने से पगड़ी नहीं उछलेगी? देख भाई फौजी, हम लोग किसी का पीसा नहीं खाएंगे, तू ही थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, और जो चोर है उसका भुगतना पड़ेगा। किसको चोर? बैठ। देखो केसर सिंह जी, आप मेरी बात सुनो। देखो भाई, मेरा कहना यह है कि आप लोग अगर इस तरह से आपस में झगड़ा करोगे तो गांव में बैर भाव और बढ़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि आप लोगों का जो भी मामला है आपस में प्रेम भाव से बैठ करके सुलटा लो। देखो भाई भौजी, अपने जूनियर इंजीनियर साहब ने बड़ी काम की चौखी समझदारी की बात की है। कितना रुपए बकाया तुम्हें? अरे भाई 20,000। अरे मैंने तो गिन के रखे है भाई, गिन ले, गिन ले। रहने दो रहने दो, मुझे तुम्हारा यह रुपया नहीं चाहिए। मुझे मेरा ये बकाया रुपया तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे तो इस मामले की तह तक जाना है। हमें मालूम है, भाग दौड़ में तेरा काफी पैसा खर्च हो गया है। ले ये 10,000 और ले। ये गिन ले तू। अब तो खुश? वाह, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम सारे के सारे। आज मैंने तुम्हारा ये रुपया ले लिया तो इससे तुम्हारी चोरी क्या बंद हो जाएगी? अब वो चोरी तो दुगनी बढ़ेगी, दुगनी। देखो फौजी, मैं थारे से एक आखिरी बात कहूं। हम लोग तुझे 40,000 रुपया दे देते हैं, ये पिस्सा ले ले और बात को यही दबा दे, वरना थारे को भुगतना पड़ेगा। बोले देता हूं मैं। वो तो देख लेंगे किसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों को जनता को जवाब देना पड़ेगा, जन सुनवाई में हाजिर होना पड़ेगा, समझे? अरे हमने जी हाजिर क्या डरते हैं क्या थारे से? अरे छोड़ो जी इंजीनियर साहब, ये तो मुझे फाइल फट्टा दिखा रहा है। अरे मैं तेरी जनता की सुनवाई से डरने वाला नहीं, अरे गांव को सरपंच हूं मैं। कोर्ट कचहरी जिंदगी भर देखी है मैंने। तू ले चल मंडे, ले चल मारे को जयपुर कोर्ट चल, दिल्ली कोर्ट चल। मैं तेरी जनता की सुनवाई से डरने वाला नहीं, मैं चलूंगा तेरे साथ वहां पे। क्या भैंस चुराई है मैंने थारी? बात करता है। ओहो, ये देखो बहन जी, हमारे 20,000 रुपए के अलावा और 80,000 रुपए का घपला किया इन लोगों ने, ये देखो। और ये लोग हमारे को 40,000 रुपए देकर के बाकी का सारा रुपया हड़प जाना चाहते हैं। बहन जी, अगर ये लोग जन सुनवाई में नहीं आए तो हमारी तो बहुत भदोड़ेगी। अरे आएंगे कैसे नहीं, उनके साथ पुश्तों को हाजिर होना पड़ेगा। इतने कड़े सबूत है कि हथकड़ी लगवा देंगे उन्हें। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। भाइयों और बहनों, देखिए आप लोग तो जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार विकास के कार्यों में एक रोग की तरह है, जिसकी वजह से ना तो हम अपना विकास कर पा रहे हैं और ना ही समाज का। ऐसा नहीं है कि सरकार विकास के कार्यों के लिए कुछ नहीं करती। भाई सरकार तो विकास कार्यों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है, पर समस्या ये है कि इसका एक बहुत बड़ा भाग कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, पूरा का पूरा विकास में लग नहीं पाता। अब जैसे इस गांव में स्कूल का निर्माण हुआ, उसके निर्माण में कुछ शिकायतों को लेकर के केसर जी हमारे पास आए। इन्होंने अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया और जिला कार्यालय से काफी सारी सूचनाएं प्राप्त भी की हैं। केसर जी आइए। धन्यवाद भाई और बहनों, और हमारे भारत माता की संतानों को फौजी का जय हिंद। देखो आप गांव वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि फौज से रिटायर होने के बाद मैंने गांव में आकर के ईंटें बनाने का काम शुरू किया। गांव के अंदर नया स्कूल बन रहा था तो सरपंच जी ने हमारे से निवेदन किया कि मैं सस्ते मध्य भाव में ईंटें देकर के गांव में हो रहे शुभ काम में इनकी मदद करूं। मैं फौरन तैयार हो गया। भाइयों स्कूल बनकर के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन मारे को मारा पीसा अभी तक नहीं मिला। मैंने ठेकेदार साहब से कहा, सरपंच साहब से कहा,
इंजीनियर साहब के सामने अपनी सारी बातें और सारी मुश्किलें रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मैं पूछता हूँ क्यों? एक मिनट, हम आदरणीय सरोज बैन जी से एक बात पूछना चाहेंगे कि उनकी इस जनता की अदालत में मारी भी कोई सुनवाई हो गई कि नहीं? पोर्ट सिंह जी, जन सुनवाई में हर इंसान को अपने बचाव की पूरी स्वतंत्रता है। केसर जी आप कहिए। भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईटों के खाते में मारे से पंचायत की तरफ से 40,000 रुपए तय हुए थे, लेकिन सरकारी खाते में लिखे गए हैं 50,000 रुपए। 50,000, इतना ही नहीं, ये देखिए, ये हमारे नाम की नकली रसीद, जाली रसीद बनाई गई है कि मारे को पूरा पेमेंट मिल गया। और मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मेरे को मिला है सिर्फ 20,000 रुपया, अरे वो भी 3 किस्तों में। मैं कहता हूँ बाकी का रुपया कहाँ गया है, किसके खीसे में गया बताओ? मैं बताता हूँ आपको, वो पैसा इन्होंने नकार लिया है। सरपंच ने कहा था हमसे वो ईटे उनके बगीचे में डालने को, कमरा बनना है। हाँ, कंजर गंडक की औलाद, अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए, अरे कृपया शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और मोर सिंह जी, कृपया गालियों का प्रयोग मत कीजिए, एक सरपंच को ये शोभा नहीं देता है। आप लोगों को कुछ कहना है? देखिए ये आपका मंच है, कुछ कहना है किसी को? मारे एक बात कहनी है। नारायणी भाई तुम ऊपर आके कहो। मारे मारे स्कूल में काम कर रहे हो, 8 के बजाय 10 घंटे काम कर रहे हो, मारे मारो मारो अस्पताल में पड़े हो, इलाज वास्ते पैसा कोई इसे मांगो तो टाइगर दियो, तो ठेकेदार बोलियो है सीमेंट और रेत मिला तो ठंडी और मिले, मिलान लागी तो बोला है सीमेंट कम रेत ज्यादा मिलाओ, रेत ज्यादा मिलाओ। मैं तेरे से ये नहीं बोला, मैंने बोला कि सीमेंट और रेती बहाकर मिला। झूठ बोल रहे हो बहन जी, बिल्कुल मालूम है, मरे मरे। अरे बिल्कुल ठीक बोल रही है ये, रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टर में सीमेंट 2 हिस्सा और रेत 8 हिस्सा पाई गई है, और आप लोगों ने सीमेंट और रेत बराबर होना दिखाया है। बताओ बाकी की सीमेंट कहाँ गई? अरे बताओ ना जनता को। भाइयों मैं बताता हूँ, बाकी की सीमेंट खरीदी नहीं गई, अरे खरीदी नहीं गई, और हिसाब में दिखाया गया है कि 250 बोरियां खरीदी गई है। ये है ये चोर है जी ससुरे, चोर है। अरे भाई शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। केदारनाथ जी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? आइए। भाइयों मैं इस गांव में बड़ा हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं और हमारे सरपंच साहब बिल्कुल अनजान है, ये सब गड़बड़ ऊपर हुई, जो जूनियर इंजीनियर साहब बोले वो हम लोगों ने किया। नहीं नहीं, नहीं भाइयों, ये आदमी गलत बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। मैं तो नया नया ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आया हूँ, ये लोग तो बरसों से यहाँ पर मिलकर के दांत ली कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझे भी डराया धमकाया, इन्होंने कहा कि हमारा साथ दो नहीं तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। मैं तो डर की वजह से। इंजीनियर जी आप मानते हो ना कि स्कूल के निर्माण के कार्य में 2,00,000 रुपया खर्चा होना था, और आपने घपला कर करके 1,00,000 रुपया खर्च किया, और बचा हुआ 1,00,000 रुपया आप तीनों हजम कर गए, ठीक बात है कि नहीं? बोलो जनता को, जेल भरो ससुरों को, जेल भरो। अरे भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए। देखिए आपके पास मस्टर रोल है, रसीदे हैं, इतने कड़े सबूत हैं कि आप चाहें तो इन्हें जेल तक भेज सकते हैं, समझे आप? और जो भी कुछ करना होगा फैसला तो आप लोगों को ही करना है। गली गली में शोर है, मोहन सिंह चोर है, गली गली में शोर है, मोहन सिंह चोर है, गली गली में शोर है, मोहन सिंह चोर है। बांधो हथकड़ी भेजो जेल, बांधो हथकड़ी भेजो जेल। हमारी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों की माफी मांगता हूँ, आलोक की तरफ से भी। मैं ये कबूलता हूं कि ये स्कूल बनाने के वास्ते थोड़ा पैसा मिला था, अब इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी रकम, अब उसमें घनी थोड़ी रकम इधर की वहां हो गई होगी, हम हिसाब देखेंगे, हमारे इससे कुछ आता है तो उसकी पाई पाई लौटा देंगे। नहीं 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 भाइयों, नहीं नहीं, इस बातें बातें से काम कोई नहीं चलेगा,
सरपंच जी आपको जनता को नया स्कूल बना के देना पड़ेगा, एकदम पक्का बोलिए। स्कूल बनाना पड़ेगा आपको, नहीं बनाएगा। सुनिए भाई, हम लोग वादा करते हैं पक्का और मजबूत स्कूल बनवा कर देंगे, देंगे, बनवा के देंगे, बिल्कुल देंगे। उसके बाद तीनों चोरों को अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो पाई। मोट सिंह गांव छोड़ के चला गया। केदारनाथ ने अपने हिस्से के गबन के रुपए ग्राम पंचायत को लौटा दिए और इंजीनियर ओंकारनाथ का तबादला एक ऐसी जगह पर हो गया जहां उसे ऊपर की कमाई का चांस ही नहीं मिला। जी ये सब तो इसलिए मुमकिन है क्योंकि सरकार ये समझ रही है कि जनता का काम है सिर्फ वोट देना, उसके बाद सरकार में कोई भाग या हिस्सा नहीं लेना, इसलिए तो लोग प्रजातंत्र के नाम से उपने लगते हैं। प्रजातंत्र क्या एक जादू की छड़ी है जिसको हिलाते ही आसमान से धन बरसने लगेगा? भाई प्रजातंत्र एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है जिसपे जगह जगह पे अड़चनों का सामना करना पड़ता है। देखो जी, ये प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमें तो चाहिए डंडा राज, आर्मी रूल, 10 साल के लिए डिक्टेटरशिप लागू करो, देखो सब बदल जाए। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर हमें बदलाव चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। इनकलाब ऊपर से नहीं थोपा जा सकता, उसे नीचे से उत्पन्न होना चाहिए। अच्छा, वो कोई घास है जो नीचे से उत्पन्न होगी? सरकार हमसे अलग थोड़ी ही है। हम जो भी प्रणाली अपनाते हैं वो जनता का प्रतिबिंब होता है। हाथ उठा के ये कह देना कि हमें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मुझे लगता है एक किस्म की कायरता है। अगर विकास मार्ग पर चलना है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाले। सबको साथ लेकर चलना है तो प्रजातंत्र से अच्छा और कोई सिस्टम नहीं है। कई प्रांतों में अलगाववाद छाया हुआ है, केंद्र के खिलाफ लोगों ने बंदूकें उठा ली है, नक्सलाइट्स तो दलितों और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस की चौकियां उड़ा रहे हैं। भाई हमको देर भले ही लगे पर हम सबको सबकी सहमति के साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और बड़ा ही नहीं अलग अलग इकाइयों पे बटा भी हुआ है। जितने अच्छे और सुलझे हुए कानून हमारे भारत देश में है शायद ही किसी और देश में, मगर फिर भी पता नहीं हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। क्योंकि वो सारे कानून सिर्फ कागजों पर है, उन्हें लागू कौन करेगा? सर हम कब तक देश की मुसीबतों पर बहस करते रहेंगे? और शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया लेकिन बंद उठ गया है, चले चलते हैं। ओके बाय, नाइस मीटिंग है, बहुत अच्छा लगा। बाय 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 एवरीबॉडी, थैंक यू जस्ट फॉर बाय, लेट्स गो। यस सर, आप ये जरूर साथ देंगे और इनको हम बहुत सारी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं।